नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीएन लाइव बाड़मेर और मैं हूं आपका साथी मनोज पांडे। साथियों, नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा हर एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे उन्हें पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, जिसको लेकर कई अभियान और कई कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, मगर ये नशा तस्कर है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में ही बालोतरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां झारखंड से जोधपुर की शेरगढ़ की ओर एक ट्रेलर जा रहा था, जिसमें 175 प्लास्टिक के कट्टों में 28 क्विंटल में अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने ट्रेलर चालक और ट्रेलर को दस्तयाब कर अपने गिरफ्त में लिया है। और बताया ये जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो अवैध डोडा पोस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाना था, जिसको लेकर ये जो ट्रेलर है झारखंड से जोधपुर के शेरगढ़ की ओर चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए पचपदरा से होते हुए ये ट्रेलर जो है जोधपुर के शेरगढ़ की ओर जाना था, मगर पुलिस ने सही समय रहते हुए इस ट्रेलर को जो है पकड़ा। एसपी हरिशंकर के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जब उन्होंने ट्रेलर को पकड़ा तो ट्रेलर के अंदर से 175 कट्टे निकले। 175 एक बहुत बड़ी संख्या होती है साथियों। इस 175 कट्टों में 28 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट पुलिस को मिला, जिसकी कीमत अभी लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो अगर इस अनुसार माना जाए तो नवगठित जिले बालोतरा में ये सबसे बड़ी कार्रवाई होगी एक अवैध डोडा पोस्ट पकड़े जाने की। जो आरोपी पकड़ा गया, जो ट्रेलर चालक पकड़ा गया है, उसका नाम मादा राम बताया जा रहा है, जिसकी पहचान मादा राम पुत्र जय किशन विश्नोई निवासी रुड़कली जोधपुर बताई जा रही है। ये पचपदरा पुलिस व जोधपुर कमिश्नरेट पूर्व की संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट को जब्त किया है।